और चलिए सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको, दिल्ली लिए चलेंगे। उससे पहले आपको खंडवा से खबर बताते हैं, जहां खंडवा के मांधाता सीट पर उपचुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे तेज हो रही है। दो दिन पहले कांग्रेस के 50 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए थे। इसके जवाब में बुधवार को करीब इतने ही भाजपा कार्यकर्ताओं को तोड़कर कांग्रेस ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। ओमकारेश्वर की एक सभा में कांग्रेस उम्मीदवार उत्तम पाल और उनके पिता पूर्व विधायक राज नारायण सिंह ने बड़ी संख्या में भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल कर पुष्पहार से स्वागत किया। दो दिन पहले मुंदी में खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने 50 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल किया था। ओमकारेश्वर में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में करीब 50 भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन है, चुनाव में जाने के पहले सिपाहियों को तैयार होने के लिए ये कार्यक्रम प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ है आने वाले चुनाव के लिए। और जो लोग कांग्रेस में आए हैं तो कांग्रेस की रीति रीति और जो ये धोखाबाजी कर रहे हैं उसको देखते हुए कांग्रेस में